आप सबों को मेरा प्रणाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं, डिमांड मैनेजमेंट। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर वन का जो पेपर है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसका पेपर कोड है CCCOM 102, और हम लोग इस पेपर के यूनिट 4 में हैं। और इसमें हमारा ये टॉपिक है डिमांड मैनेजमेंट। हम लोग आज डिमांड मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, और फिर सबसे पहले तो क्या होता है मीनिंग जानेंगे इसका, डिमांड मैनेजमेंट का, और फिर इसके कंपोनेंट्स को जानेंगे, डिमांड मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स को। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा एग्जामिनेशन पर्पज़ से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन दे सकता है कि डिमांड मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, और डिमांड मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स को लिखें। तो एकदम आसान टॉपिक है, और आज का हमारा लेक्चर भी काफ़ी छोटा होगा। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसके मीनिंग को जानते हैं, डिमांड मैनेजमेंट, है ना। आइए हम लोग मीनिंग को जानें। तो देखिए, कहता क्या है ना कि डिमांड मैनेजमेंट जो है इज़ द प्रोसेस। डिमांड मैनेजमेंट कह रहा कि एक प्रोसेस है ना। किस बात का प्रोसेस है भाई? द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द फ्यूचर। भविष्य में या भविष्य में किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो डिमांड होगा, उसका हमको असेसमेंट करना है, निर्धारण करना है, तय करना है, आकलन करना है कि भविष्य में कितना डिमांड होगा किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज, जो कह लें किसी गुड्स एंड सर्विसेज का, किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का भविष्य में कितना डिमांड होगा, इसका असेसमेंट करना है, निर्धारण करना है, तय करना है। और फिर कहता है कि एंड प्लानिंग द मैन्युफैक्चरिंग शो देयर वुड नॉट बी सप्लाई एंड डिमांड गैप्स। कहता है कि सबसे पहले तो आपको भविष्य में किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का कितना डिमांड होगा, इसका आकलन करना है, असेसमेंट करना है, निर्धारण करना है। देन उसके बाद प्लानिंग करना है, प्लानिंग द मैन्युफैक्चरिंग। मान लीजिए आप तय कर लिए कि हमको भविष्य में 1000 यूनिट चाहिए, 1000 केजी चाहिए, और फिर उस 1000 केजी का वो प्लानिंग करना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना। उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग हुआ आपका, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग का प्लानिंग करना है। क्यों करना है भाई? कि कोई गैप ना हो पाए जो डिमांड का आप सोचे हैं और जो सप्लाई हो उसमें गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आसान है ना। डिमांड मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है भाई, इस प्रोसेस में आप करते क्या हैं? तो इस प्रोसेस में, डिमांड मैनेजमेंट के प्रोसेस में, हम किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का फ्यूचर डिमांड का आज आकलन करते हैं, निर्धारण करते हैं, तय करते हैं कि क्या डिमांड होगा, और फिर प्लानिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर आप ये सोच लिए कि हमको हमको 1000 या 5000 केजी का प्रोडक्शन करना है, ये डिमांड होगा, फिर उस डिमांड को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, प्लानिंग द मैन्युफैक्चरिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग का प्लानिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपका भविष्य का डिमांड होगा। क्यों प्लानिंग करेंगे? क्योंकि गैप ना हो पाए डिमांड एंड सप्लाई में। आसान तो है, एकदम इजी है। डिमांड, एकदम सिंपल शब्दों में समझिए, डिमांड मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं, तो फ्यूचर डिमांड का हम आकलन कर रहे हैं, और फिर अगर आप ये तय कर लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप मैन्युफैक्चरिंग का प्लानिंग करेंगे, है ना। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि डिमांड और सप्लाई में गैप ना हो, है ना, कोई गैप ना हो। मेरा इजिली जो डिमांड है वो उतना का सप्लाई हो जाना चाहिए, शॉर्टेज ना हो। आसान है ना, आगे बढ़ते हैं। डिमांड मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन डिमांड। इसको एक दूसरा नाम है कंजम्पशन डिमांड, या इसी का एक और नाम है स्ट्रेटजिक स्पेंड मैनेजमेंट। ठीक है ना, ये और भी नाम है, इसको आप देख लेंगे, मतलब याद कर लेंगे। क्या नाम है? कंजम्पशन मैनेजमेंट या स्ट्रेटजिक स्पेंड मैनेजमेंट। अच्छा, आप समझिए, इन वेरी शॉर्ट, बहुत कम शब्दों में अगर कोई पूछे कि डिमांड मैनेजमेंट क्या है, बताइए, बहुत कम शब्दों में, देखिए ना, 4 वर्ड में है। नो योर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कस्टमर्स के
रिक्वायरमेंट को जानना, है ना, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को जानना, अब इसमें बहुत कुछ है ना, तो इसी कहता है कि डिमांड मैनेजमेंट है। डिमांड मैनेजमेंट क्या है, बहुत कम शब्दों में कोई कहे समझाइए तो कह दीजिए कि नो योर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को जानना, अपने कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को जानना, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना, प्लान करना, इज डिमांड मैनेजमेंट, है ना। आगे देखिए, द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द हाउ दे आर क्रिएटिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द टारगेट मार्केट एंड देन हाउ दे आर मैनेजिंग द सप्लाईज टू फुलफिल दैट डिमांड। बहुत बहुत एकदम अच्छे से समझिए, किसी भी बिजनेस का सक्सेस जो है ना, वो डिपेंड करता है, द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द हाउ दे आर क्रिएटिंग द डिमांड, डिमांड कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, किसी प्रोडक्ट का इन द टारगेट मार्केट, जो आपका टारगेट मार्केट है, बात को समझिए, जो भी आपका मार्केट है, जो मार्केट एरिया है जिसको आप टारगेट किए हुए हैं किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जो टारगेट मार्केट है उसमें किसी प्रोडक्ट को आप लेकर सोचे हुए कि ये इस मार्केट में हम इस प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो सबसे पहले तो आपको डिमांड क्रिएट करना है, है ना, उस प्रोडक्ट का जो टारगेट मार्केट है, टारगेट मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड क्रिएट करना है, ठीक है। एंड देन हाउ दे आर मैनेजिंग द सप्लाईज टू फुलफिल दैट डिमांड। अगर आप डिमांड क्रिएट कर लेते हैं, डिमांड क्रिएट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा किसको, सप्लाई को, है ना, उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई को भी तो मैनेज करना पड़ेगा। आप डिमांड क्रिएट कर दिए, सप्लाई क्रिएट कर ही नहीं करते हैं, सप्लाई करते ही नहीं है, तो कहां से सक्सेस मिलेगा। दोनों पे कंट्रोल बनाए रखना पड़ेगा, डिमांड पे भी सप्लाई पे भी, तभी आप सक्सेस, आपका बिजनेस सक्सेस होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा, ठीक ना। डिमांड को क्रिएट करना है टारगेट मार्केट में, और फिर डिमांड जो क्रिएट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लाई को मैनेज करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस कर पाइएगा आज के समय में, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव एज में हम लोग बिजनेस करते हैं, तो दोनों पे कंट्रोल बनाए रखना पड़ेगा, डिमांड एज वेल एज सप्लाई, ठीक ना। तो हमको लगता है कि डिमांड मैनेजमेंट समझ गए होंगे आप लोग, आसान टॉपिक है डिमांड मैनेजमेंट। एक बार फिर से बहुत क्लियर शब्दों में समझिए, डिमांड मैनेजमेंट प्रोसेस है भाई। तो फिर मन में सवाल आएगा किसका प्रोसेस है, तो बोलता है असेस करते हैं, निर्धारण करते हैं, तय करते हैं, आकलन करते हैं, किसका, किस बात का आकलन करते हैं, तो डिमांड का। किसका डिमांड, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, भविष्य में किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो डिमांड होगा उसको हम तय करते हैं, निर्धारित करते हैं, और फिर प्लानिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, जो आप तय कर लिए कि डिमांड होना है, इतने यूनिट का डिमांड होना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का। क्यों, क्योंकि जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसमें गैप ना हो। क्लियर है ना, आसान है ना, इजी है, बात को आगे बढ़ाएं, समझ में आ गया होगा। और सक्सेस डिपेंड करता है दोनों बात पर, डिमांड क्रिएट करिए और डिमांड क्रिएट करके सप्लाई को मैनेज कीजिए, तभी आप सक्सेस होइएगा, अदरवाइज फेलियर तो फेलियर हो जाइएगा, फेल कर जाइएगा, आपका बिजनेस सफल नहीं होगा, है ना, शट डाउन में चले जाएंगे आप। आगे देखिए, आगे अगला जो हमारा टॉपिक है ना, वो है कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड मैनेजमेंट। क्वेश्चन आएगा डिमांड मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, और डिमांड मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स को लिखें। तो डिमांड मैनेजमेंट के चार कोर कंपोनेंट्स है, बात को समझिए, जो कोर कंपोनेंट है ना डिमांड का, एकदम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नंबर वन इज फोरकास्टिंग, नंबर टू इज सप्लाई प्लानिंग, नंबर टू इज डिमांड एनालिसिस, एंड फोर्थ वन इज सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग। ये चार कोर कंपोनेंट हैं डिमांड मैनेजमेंट के, है ना। देयर आर फोर कोर कंपोनेंट्स ऑफ द डिमांड मैनेजमेंट, दीज आर, ये तो अभी आप देख लिए, अब आइए एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। ये जो हमारा डिमांड मैनेजमेंट है उसके चार कोर कंपोनेंट है, नंबर वन इज फोरकास्टिंग,
ये तो वर्ड सुने हुए हैं, आप पढ़े हुए हैं। समझिए, इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो अ बिजनेस विल फोरकास्ट द फ्यूचर डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक एक खास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का फ्यूचर डिमांड क्या होगा उसका हम फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्टिंग इसी को नहीं बोलते हैं, किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, किसी खास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो फ्यूचर डिमांड होगा उसका हम आज फोरकास्ट करते हैं, है ना। फोरकास्टिंग में कोई भी बिजनेस तो यही करता है, भविष्य के जो फ्यूचर डिमांड होना है उसका आज हम पूर्वानुमान लगाते हैं। फोरकास्टिंग जो होगा इज डन एज पर द करेंट ट्रेंड। फोरकास्टिंग जो करिएगा वो किसके आधार पर होगा, तो करेंट ट्रेंड के आधार पर होगा, प्रोजेक्टेड सेल्स के आधार पर होगा, एंड एनालिटिकल डेटा ऑफ कस्टमर्स बिहेवियर। ध्यान दीजिएगा, ये जो फोरकास्टिंग जो आप करेंगे, ये जो फ्यूचर डिमांड का जो फोरकास्टिंग की बात आप कर रहे हैं, तो फोरकास्टिंग डिमांड का जो फोरकास्टिंग करना है वो किस पर आधारित होगा, तो कहता है कि करेंट ट्रेंड देखना पड़ेगा, ट्रेंड कैसा है, प्रोजेक्टेड सेल्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा, और एनालिटिकल डेटा ऑफ कस्टमर्स बिहेवियर, कस्टमर्स के बिहेवियर को भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उनका जो एनालिसिस का जो एनालिटिकल डेटा है, इन सभी बातों को जब आप कंसीडर करके, इन सभी बातों पर आपका ये फोरकास्टिंग बेस्ड होना चाहिए। अगर अगर आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं, करेंट ट्रेंड, प्रोजेक्टेड सेल्स और कस्टमर्स का बिहेवियर का डेटा नहीं है तो क्या फोरकास्टिंग करेंगे, फोरकास्टिंग बेकार हो जाएगा आपका। तो फोरकास्टिंग में इन सब को कंसीडर करना पड़ेगा, करेंट ट्रेंड, प्रोजेक्टेड सेल्स और एनालिटिकल डेटा जो होगा कस्टमर्स बिहेवियर का, इनका इन सब को कंसीडर करते हुए आपको फोरकास्टिंग करना पड़ेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स बिजनेसेस इन प्रिपेयरिंग फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इन द फ्यूचर। देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो कई तरह भविष्य में कई तरह की घटनाएं घट सकती हैं, कई तरह का अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते रहता है बिजनेस में। तो जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे भविष्य में या घटने वाले जो होते हैं, उसके लिए उसमें भी आपको हेल्प करता है, उसके लिए रेडी रहते हैं, उसके लिए आप पहले से ही तैयार हो जाते हैं। ये जो फोरकास्टिंग है ना, फोरकास्टिंग किसी भी बिजनेस को भविष्य के अनएक्सपेक्टेड इवेंट से बचने में भी मदद करता है, उसके लिए रेडी रहने, उसके लिए वो तैयार करा देता है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो होता है भविष्य में, उसके लिए आपको तैयार रहने में मदद करता है ना, आपको एकदम रेडी करा के रखेगा। फोरकास्टिंग में हर चीज का एनालिसिस होगा, आपको रेडी रहना पड़ेगा भविष्य में जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा उसको बारे में भी सोच के अभी काम करना है। तो फोरकास्टिंग समझ गए होंगे आप, फोरकास्टिंग में आप फ्यूचर डिमांड का एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर डिमांड जो बेस्ड होगा वो करेंट ट्रेंड, प्रोजेक्टेड सेल्स और कस्टमर्स का जो बिहेवियर होगा इन सब पर बेस्ड होगा। और ये जो फोरकास्टिंग है ये आपको मदद करता है, ये सब जो है मदद करता है आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट से, घटनाएं से बचने में, तैयार रहने में, है ना। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। नंबर टू क्या है, सप्लाई प्लानिंग। ये रहा आपका सप्लाई प्लानिंग। तो ये जो सप्लाई प्लानिंग, देखिए कि सप्लाई प्लानिंग क्या है, बिजनेसेस नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सप्लाईज। एक चीज बताइए, कोई भी बिजनेस जो है अगर फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट है, किसी भी बिजनेस का जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, जो सप्लाई होना चाहिए, उसके लिए अगर रेडी नहीं रहेगा तो क्या वो सक्सेस कर पाएगा, बिजनेस सक्सीड होगा, वो फेल कर जाएगा। हर बिजनेस को रेडी रहना पड़ेगा, बिजनेसेस नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड, वो तैयार रहना पड़ेगा किसके लिए, तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सप्लाईज, भविष्य में कितना सप्लाई होना है उसके लिए हर बिजनेस को तैयार रहना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करके रखना पड़ेगा, है ना। बात को समझ रहे ना, हर व्यवसाय को जो सप्लाई है भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अगर आप रेडी नहीं रहिएगा फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, कितना सप्लाई होना है तो मुश्किल है ना, तब तो टफ होगा आपके लिए।
बींग वेल अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स, ध्यान दीजिएगा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स इन्फ्लुएंस एंड मार्केट ट्रेंड्स। ये बात को समझिए, ये तीन बोल रहा कि बहुत अच्छा जानकारी चाहिए आपको, अवेयर होना पड़ेगा किन किन बातों से, तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स का क्या रिक्वायरमेंट है, कॉम्पिटिटर्स का इन्फ्लुएंस, जो प्रतियोगी हैं आपके, जो कॉम्पिटिटर हैं वो किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और मार्केट का जो ट्रेंड है, ये तीन बात जो अभी कह रहे हैं, बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, कॉम्पिटिटर्स का जो इन्फ्लुएंस है, और मार्केट का जो ट्रेंड है, अगर इन पे इनकी जानकारी अच्छी नहीं है तो बहुत टफ होगा आपके लिए, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, एकदम बहुत बढ़िया से जानकारी लेके जानकार रहना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कस्टमर्स का नीड, इन्फ्लुएंस जो होता है आपका किसका, कॉम्पिटिटर्स का, और मार्केट ट्रेंड का। हेल्प बिजनेसेस इन डूइंग इफिशियंट सप्लाई प्लानिंग, ये तीनों जो है ये मदद करता है किस बात में भाई, तो इफिशियंट सप्लाई प्लानिंग में, एक कुशल सप्लाई प्लानिंग, जो इफिशियंट सप्लाई प्लानिंग की जो बात करते हैं, ये कब हो पाएगा, जब आप इन तीन बातों को कंसीडर करके प्लानिंग करेंगे। आपका जो सप्लाई प्लानिंग है वो कब इफिशियंट होगा, तो जब आप इन तीन बातों को कंसीडर करके प्लानिंग करेंगे। कौन सी बातें हैं भाई, तो कस्टमर्स का नीड, कॉम्पिटिटर्स का इन्फ्लुएंस और मार्केट ट्रेंड्स, है ना, ये सब जानना पड़ेगा, बात समझ रहे ना। अगर अगर आप इनके बारे में नहीं जानिएगा, जो कस्टमर्स हैं उनका उनकी क्या आवश्यकता है ना, जो कॉम्पिटिटर्स है उनका जो इन्फ्लुएंस है, और मार्केट का जो ट्रेंड है, जो आपका जो रुझान कहते हैं, ये कोई भी व्यवसाय को जो कुशल, जो इफिशियंट सप्लाई प्लानिंग जो की बात कर रहे हैं ना, इसमें आपको हेल्प करेगा ये तीनों, है ना। सो एकदम इफिशियंट सप्लाई प्लानिंग के लिए इन तीनों का अच्छे से आपको जानकार होना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट, डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस कहता है, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट आवर डिमांड फोरकास्टिंग, जो हमारा डिमांड फोरकास्टिंग है, इज बेस्ड अपॉन द करेंट सेल्स डेटा। आप अक्सर पढ़े होंगे डिमांड फोरकास्टिंग, तो डिमांड फोरकास्टिंग जो है ना, ये एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, कि वो किस पर आधारित हो, तो करेंट सेल्स डेटा पर आधारित हो, है ना। प्रॉपर एनालिसिस ऑफ ऑर्डर हिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑर्डर हिस्ट्री है ना, इसका प्रॉपर एनालिसिस की बात कर रहा है, विल हेल्प अस टू डू द राइट डिमांड एनालिसिस। अगर सही डिमांड एनालिसिस करना है, सही डिमांड एनालिसिस में कहता है ना कि ये जो ऑर्डर हिस्ट्री है, इसका प्रॉपर एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाता है। आपका जो ऑर्डर हिस्ट्री है, इसका सही एकदम उचित विश्लेषण, प्रॉपर एनालिसिस जो है ना, ये मदद करता है राइट डिमांड एनालिसिस में, सही डिमांड के एनालिसिस में, विश्लेषण में मदद करता है, किसके लिए, तो फॉर इफेक्टिव डिमांड मैनेजमेंट के लिए, है ना। देखिए, इफेक्टिव डिमांड मैनेजमेंट के लिए ना, कहता है ना कि राइट डिमांड एनालिसिस जरूरी है, और राइट डिमांड एनालिसिस किसके आधार पर होगा, तो कहता है कि जो ऑर्डर हिस्ट्री है उसका प्रॉपर एनालिसिस कर ले आप, ठीक है, बात समझ गए। ये इफेक्टिव डिमांड मैनेजमेंट के लिए कहता है ना कि एकदम सही डिमांड का एनालिसिस होना चाहिए, डिमांड एनालिसिस सही होना चाहिए, और ये जो सही डिमांड एनालिसिस में मदद कौन करेगा, तो कहता है कि जो ऑर्डर हिस्ट्री है उसका प्रॉपर एनालिसिस, ऑर्डर हिस्ट्री का प्रॉपर एनालिसिस इफेक्टिव डिमांड मैनेजमेंट के लिए कह रहा है ना कि सही डिमांड एनालिसिस में मदद करता है, है ना। डिमांड एनालिसिस समझ गए, किस पे बेस्ड होना चाहिए, तो करेंट सेल्स डेटा पर, है ना। डिमांड फोरकास्टिंग जो है करेंट सेल्स डेटा पर आधारित होगा, और जो ऑर्डर हिस्ट्री है उसका प्रॉपर एनालिसिस करें, ये प्रॉपर एनालिसिस आपको राइट डिमांड एनालिसिस में मदद करेगा, जो कि जरूरी है इफेक्टिव डिमांड मैनेजमेंट के लिए। आइए नेक्स्ट, कहता है सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग।
सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग। कहता है फॉर इफेक्टिव डिमांड मैनेजमेंट इट इज इसेंशियल दैट, एकदम आवश्यक हो जाता है कि यू पे अटेंशन टू द रोल्स ऑपरेशंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द सप्लाई चेन सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, ये सुने होंगे आप लोग, सप्लाई चेन सिस्टम के या सप्लाई चेन सिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो सप्लाई चेन सिस्टम है इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका रोल्स ऑपरेशंस एंड इम्पॉर्टेंस जो है उसको आपको बहुत अच्छे से कंसीडर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा उन पर, है ना। कह रहा है कि इफेक्टिव डिमांड मैनेजमेंट तभी होगा, मतलब इफेक्टिव डिमांड मैनेजमेंट के लिए ये जरूरी है ना, आपको एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा। बोलता है कि यू पे अटेंशन टू दी रोल्स ऑपरेशन एंड इम्पॉर्टेंस, है ना, किनका, तो आपको आपको ध्यान देना पड़ेगा रोल्स, जो रोल है, जो ऑपरेशन है, जो इम्पॉर्टेंस है, किसका, तो ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर, जितने भी हितधारक हैं सप्लाई चेन सिस्टम क्या, उन सबको कंसिडर करना पड़ेगा, उन सबका जो रोल्स ऑपरेशन है इम्पॉर्टेंस है सबको कंसिडर करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है इफेक्टिव डिमांड मैनेजमेंट के लिए, है ना। अगर आप जो सप्लाई चेन सिस्टम के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका रोल ऑपरेशंस ये महत्व ये सब अगर आप नहीं जानिएगा ना, तो आपका डिमांड मैनेजमेंट जो उसके बारे में जो सोच रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं होगा, है ना, मुश्किल है आपके लिए, फिर टफ होगा। आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो सप्लाई चेन सिस्टम है उसके सारे स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, उनका क्या रोल है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, तभी जाकर के आपका डिमांड मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा। कहता है बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स, जो इनसे संबंधित जो रिपोर्ट आएगा, वी कैन डू इफेक्टिव सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग, हम लोग बहुत प्रभावशाली सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग टू मैनेज द डिमांड रिक्वायरमेंट्स। कहता है ना बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स वी कैन डू इफेक्टिव सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग टू मैनेज द डिमांड रिक्वायरमेंट। ये जो डिमांड रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने के लिए कहता है ना कि हम इफेक्टिव सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग कर पाएंगे इनसे संबंधित रिपोर्ट के आधार पर, है ना, इन रिपोर्टों के आधार पर हम मांग आवश्यकताओं को, मतलब क्या कर सकते हैं, बात समझिए, ये जो रिपोर्ट आएगा, जो रिपोर्ट रहता है, जो इनसे संबंधित जो रिपोर्ट रहता है, हम लोग इफेक्टिव सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग कर सकते हैं, है ना, क्यों करेंगे ऐसा, टू मैनेज द डिमांड रिक्वायरमेंट, डिमांड का जो रिक्वायरमेंट होगा, जो भी डिमांड रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग सेल्स एंड ऑपरेशन से रिलेटेड प्लानिंग कर सकते हैं। और डेटा कहाँ से मिलेगा, तो इनसे जो संबंधित डेटा है उन्हीं के आधार पर हम लोग, जो इनका रिपोर्ट है उनको बेस मानकर ये प्लानिंग करेंगे। तो ये छोटा टॉपिक था आज का हमारा, है ना, एकदम छोटा टॉपिक था डिमांड मैनेजमेंट, समझ गए होंगे आप एक बार अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार और प्ले करके देखिए, है ना, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको फ़ोन करेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप सबों को लाइव बने रहने के लिए मेरे साथ थैंक्स, हैव अ गुड डे टू ऑल।